आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि लाइटनिंग कैसे पैदा होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात के दिनों में बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग पैदा होती है, जिसे बिजली का कड़कना भी बोलते हैं। ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो लाइटनिंग तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लाउड लाइटनिंग। इसमें एक ही बादल के नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के मिलने से, कॉन्टैक्ट में आने से लाइटनिंग पैदा होती है। इस लाइटनिंग में कोई भी साउंड नहीं होता है। दूसरे प्रकार की लाइटनिंग होती है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। इसमें दो बादल के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो लाइटनिंग पैदा होती है, और लाइटनिंग का गर्म हवा जब ठंडे हवा को ढकेलता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत ही डरावना होता है। और तीसरे प्रकार की लाइटनिंग होती है क्लाउड टू अर्थ लाइटनिंग। इसमें बादल से जमीन पर बिजली कड़कती है। बादल में नेगेटिव चार्ज होता है और धरती में पॉजिटिव। जब दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं तो लाइटनिंग पैदा होती है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब आवाज़ पैदा होती है तो ये कैसे होती है? ये जो बिजली कड़क रही है उसका जो गर्म हवा होता है वो ठंडे हवा को ढकेलता है, तो बिजली का साउंड पैदा होता है। सुरक्षा के उपाय। अगर आप बिजली के कड़कने से बचना चाहते हैं तो पेड़ से दूर रहें, पहाड़ पे ना जाएं, ऊंचे बिल्डिंग्स पे ना जाएं और अपने छतों पे ना जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं।